ओम शांति। आज है 26 अक्टूबर 2023। आज है सतगुरुवार। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे। अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न: सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवान वाच है, बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। प्रश्न दूसरा: स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? आज की मुरली में सद्गुरुवार की वाणी में दो प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलता है? उत्तर में बाबा बोले, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं, भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं, रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होती है तो उड़ने लगती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है, बाबा कह रहे हैं, वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सत्युग त्रेता और रात द्वापर कलयुग, आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है, इस दिन रात का तो किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा कह रहे हैं, मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्युग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म चार हैं, बाबा कह रहे हैं, मुख्य धर्म शास्त्र जो हैं वह चार हैं, और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ पंथ किए हैं, तो
मठ पंथ की स्थापना होती है ना, तो अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। वह क्या कहते, हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है, परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती हैं। ऐसे ऊंच से ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही क्या हुआ, भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकस भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए, सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। तो शिव बाबा क्या कहते हैं कि सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत है भी सत, गाते भी हैं सतयुग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह हैं, मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया, भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था, वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पाठ किसका होगा, अभी तुम जान गए हो मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या, नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्धि को कितना समय पालना करनी है, यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है, कितनी गुहिया बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा, भल वहाँ सुख में हैं परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो मात पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो।
बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं, जो जमा किया वह फिर ना हो जाती है। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ये पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं, मैं टीचर हूँ पढ़ाऊँगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार हैं, उनमें मुख्य हैं गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो मात पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है, अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। बाबा से हम क्या कहते हैं युगो युगो से कि हमें पावन बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ, हम तुम जानते हो अब तुम जानते हो, अब तुम क्या जानते हो। बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं, शिव का तो आकार भी है जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना, आत्मा इतनी सूक्ष्म है उनका भी नाम है, ब्रह्म महतत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह भी नाम है ना, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए बरोबर। शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। हाँ बाबा कह रहे हैं कि लिख कर भी देते हैं फिर भी पढ़ाई नहीं पढ़ते, ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं, माया कितनी तीखी है। तो शिव बाबा आज की मुरली में समझा रहे हैं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज़ नहीं होती, यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए बरोबर। शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज हैं नहीं, माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे, तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार हैं, कोई चीफ कमांडर हैं, कोई कैप्टन हैं, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हरेक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे व अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे, यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा
मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, वरदान वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सदगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। बाबा कह रहे हैं मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब स्लोगन है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, सभी को सद्गुरुवार की। फिर से ओम शांति।